So hey guys, it's me Crazy Jaguar back with another crazy video on this channel. और आज हम खेलने वाले हैं एक सैनोक का मैच, which is the unluckiest मैच. lucky कौन से एंगल से है भाई? टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा. तो चलो यार, बिना किसी देरी के शुरू भी कर देते हैं इस मैच को. तो यार यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सामी जाएंगे. थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि बूट कैंप में मेरा पिंग हद से ज़्यादा हाई हो जाता है और मेरा क्योंकि लो एंड फ़ोन है तो लैग भी करने लग जाता है. तो यार इस पार्ट से मेरे को दिख गया कि यहाँ पे एक स्क्वाड है, लेकिन आई एम श्योर कि दो तीन लोग और भी उतरे होंगे, क्योंकि और यहाँ से है इस मैच का हगोड़ा पार्ट. लाइक आप देखते देखते थक जाओगे कितनी जगह मैंने हगा है. यहाँ से एक और पार्ट, कुछ लूट नहीं है भाई, कुछ लूट नहीं है. मेहनत करके एक QBZ मिला है मेरे को. आगे आगे देखते जाओ होता है क्या. तो यार यहाँ पे मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ था तो करने की कोशिश किया मैं, लेकिन किल नहीं मिल पाया क्योंकि वो अंदर चला गया. और यहाँ पे मैक्स टर्न बनने की नाकाम कोशिश. यहाँ पे मैक्स टर्न बनते बनते मेरे को एक स्पॉट हुआ और VSS की पावर. और अब मॉर्टल का भी सस्ता कॉपी करने वाला हूँ मैं. और ये क्या गुंडा बनेगा? अब नेट फेल हुआ तो क्या हुआ, मेरे को तो मारने का है ना ब्रो. मेरे एक टीममेट ने अंधा रश किया था, मैंने उस बंदे को एक डैमेज देने की कोशिश की थी, बट आई वॉज अनलकी एनफ एंड आई लॉस्ट अ टीममेट. और यहाँ से एक और अनलकी पार्ट शुरू, क्योंकि वो बंदा डाउन था. हम लोगों ने सोचा क्यों ना रश किया जाए. हमारे टीममेट्स ने बोला कि लेट्स गो, तो चलो, लेकिन कवर लेके. पटपट सुनते ही मैं दौड़ पड़ा, बट इट वॉज टू लेट. अभी भाई इस बंदे ने मेरे टीममेट को मारा है, बदला तो लेने का है अपन को. यार ये जो बंदा मरा है ना, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ. इसके साथ मैं आज एग्जैक्टली 4 से 5 मैच खेल चुका हूँ. बहुत अच्छा खेलता है ये बंदा, लेकिन इसके साथ मैं नहीं खेल पा रहा हूँ एक मैच भी. हर बार ये ही मर जा रहा है. लाइक आर यू सीरियस? और भाई ये हो गया मेरा एक और अनलकी चीज़. उससे भी अनलकी चीज़ क्या है बोलूँ, एक भी मेड्स नहीं है मेरे पास. शिट, अब तो यार बहुत मेहनत से 5 बैंडेजेस मिला मेरे को, और उसके बाद तो भाई खुशी सर पे ही चढ़ गई. अरे आंटी, ओ भाई 4x. और अब हम लोग चल दिए अपने सफ़र की ओर जोन के अंदर, और इधर उधर घूमने को थोड़े और लूट के लिए. यहाँ पे प्रो बनने की नाकाम कोशिश. और ये धुप, फिर से धुप. अभी प्रो पता है रैंडम मैचिंग के साथ बेस्ट पार्ट क्या है? सेल्फ प्रोमोशन. कैसे छोड़ देता है यार, एक सब्सक्राइबर बढ़ गया. तो यहाँ पे मेरा एक और स्किल शो करने की ट्राई कर रहा हूँ. ये मैंने ब्रिज पे कूदी से उड़ गया. व्हाट द फक एम आई टेलिंग. यहाँ पे मैं शांति से जाने की कोशिश कर रहा था, पर शॉट सुनाई दिया मेरे को. बहुत कोशिश किया मैंने उसको स्पॉट करने के लिए, लेकिन स्पॉट ही नहीं हो रहा था. पता नहीं कहाँ पे था, और ऊपर से मेरा फ़ोन इतना लो एंड है कि मेरे को ठीक से दिखता भी नहीं है. सब लाइक बहुत गंदा रेंडर होता है. मेरे को स्पॉट हुआ बंदे ने, बोला मेरे को, मैंने उसे कुछ शॉट्स दिए. और अब देखो यहाँ पे मेरे को फिर से किसी ने शॉट देने की कोशिश की, शायद उसका टीममेट ही होगा.
और यहाँ पे मेरे टीममेट ने एक बहुत अच्छा काम किया कि मेरे को मेरा किल दे दिया। थैंक्स ब्रो। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि भाई चलो जोन में चलते, वरना उन लोगों को भी आना ही पड़ेगा तो फिर हम उनको जोन के अंदर से मार सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको ज़्यादा पड़ी हुई थी। पर फिट भी बच तो गए ना हम। एक और मेरे को शॉट सुनाई दिए, मैंने थोड़ा फ्री फायर लेने की कोशिश की ताकि वो बंदा ट्रिगर होकर मेरे को मारने की कोशिश करे, पर नहीं आएगा वो भाई, मेरे जैसा चूतिया थोड़ी ना है वो। तो चलो यहाँ पे हम लोग जोन की ओर बढ़ते हैं शांति से। तेरे भागो 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 भागो, मेरे को पेन किलर चाहिए। तो जैसे कि मेरे को उसने बोला कि उसको पेन किलर चाहिए, पर मेरे को शॉर्ट सुनाई दिया और मैं कैसे ना जाऊं। और मुझे इतना तो पता था कि ये वही फ्लेयर वाले जिनको मैंने पहले देखा था। सो लेट्स गो। तो भाई ये बंदा तो किसी और को ही मार रहा था और मारते मारते खुद ही मर गया। मेरे को लगा कि कोई और नहीं था, पर फिर भी चेक करके तो जाना बनता है। और मैं अंदर घुस गया। अंदर जाके देखो मेरे को कैसा सरप्राइज मिलता है। मैं तो भाई शांति से लूटने जा रहा था, पर भाई इस बंदे ने मेरी फाड़ के रख दी। और पीछे से वो बंदा भी फाइटिंग ले रहा था, मुझे पता नहीं क्या करने वाला था वो, पर मैं इसको तो मारने ही वाला हूँ। तो भाई ये बंदा तो आसानी से मर गया। और अब मैं लूटने जा रहा हूँ ताकि कुछ मेड्स मिल जाए, पर इतनी किस्मत नहीं है ब्रो मेरी। और उधर और भी बंदे शॉट्स ले रहे, लेकिन परवाह किसको है भाई, मेरे पास कुछ लूट नहीं है। तो फिर से मैं लूटने चला जाता हूँ। इस क्रेट में फ्लेयर वाले के यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे दो फर्स्ट एड मिले मेरे को, पर यू नो दे आर नॉट इनफ, क्योंकि आगे जो होने वाला है मेरे साथ। फक, अरे ये देख ड्रॉप वाला था, ग्रोजा ग्रोजा है, ले ले ग्रोजा। और यहाँ पे आपको देख ही रहा है कि जोन आ रहा है, और मैं जोन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे पास ना तो बूस्ट के आइटम थे ज़्यादा, ना कुछ थे। और पहले से मेरे को बूस्ट करके रखना चाहिए था ताकि हेल्थ थोड़ा फुल रहता तो एडवांटेज मिल जाता। तो यहाँ पे मैं जोन की ओर दौड़ रहा हूँ, और यहाँ से आता है मेन पार्ट जब मैं मरूंगा। मेरे पास 10 बंडे, 2 किट है फास्ट किट और 2 ड्रिंक। तो यहाँ से जाते जाते ही मेरे को कोई स्पॉट होता है, और मैं उसे मारने के लिए तैयार नहीं था एक्चुअली। ढूंढा तो मिला, कोशिश की मैंने उसको मारने की, पर नाकाम। उसको थोड़ा डैमेज भी पड़ा, फिर और डैमेज देने की कोशिश की मैंने। फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई, जोन अभी मेरा काटने वाला है तो मेरे को जाना चाहिए अंदर। तो मैंने एक नेट फेंक के सुरक्षित होके जाने की कोशिश की ताकि अंदर जाके मेरे को कोई फर्क ना पड़े। और वहाँ पे और लोग फाइट ले रहे थे, और अब टाइम आ गया किंग कोबरा बनने का। यहाँ पे मेरे को लगा कि थोड़ा आगे जाके देखना चाहिए, क्योंकि सांप बन के रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रॉप में कुछ नहीं मिला मेरे को, कुछ नहीं। और वहाँ पे मेरा बंदा नॉकआउट होके फिनिश भी हो गया। और अब लगने लगा मेरे को डर, क्योंकि 8 सेकेंड्स में आने वाला था जोन, और भाई मेरे पास मेट्स नहीं है। यहाँ पे मैंने सोचा जोन के अंदर जाओ, लेकिन वो बंदा मेरे को मारने शुरू हो गया। अब मार के तो जाऊंगा ही इसको। और इसको मारने के बाद लग गए मेरे पूरी तरह से। मेरे पास ना तो कोई मेट्स था, ना कुछ बूस्ट वगैरह था, तो बचने का कोई चांस नहीं बनता। और मैंने सोचा कि हील करते करते मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन सॉरी।
तो ऐसे हो जाती है मेरी इस मैच की एंडिंग, बहुत ही घटिया थी। मेरे पास 8 किल्स आ गए थे, टॉप 10 में आ गया था, टॉप 5 भी आ गया था शायद। फक माई लाइफ।